नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। सेंट्रल स्कूल के सामने एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि युवक का नाम धर्मेंद्र कुशवा था, जो कि मजदूरी का कार्य करता था। उसकी हत्या अज्ञात व्यक्तियों ने पत्थर से कुचलकर कर दी। शव के पास से एक पत्थर भी बरामद हुआ है, जिससे युवक के सिर पर वार किया गया था। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसके बाद ही ये सुनिश्चित हो पाएगा कि युवक की हत्या कैसे हुई। प्रथम दृष्टया पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पूछ रहे होंगे, थोड़ा इंतजार कर लेते तुम यार। इधर सर जाना यार। अरे मुझसे हुआ है बाल पुलिस आ रही है। मैंने पहले से जैसे तक और तो देखिए मुंडा तो नहीं आ रहा ना, पर सब से छोटा है पापा से। तीन है उनका। आज सुबह 9 बजे लगभग सूचना आई थी कंट्रोल रूम से, और हमारा स्टाफ को सूचना दी गई कि एक सेंट्रल स्कूल के सामने एक शव पड़ा हुआ है, जिसके चेहरे पे चोट के निशान थे। इस सूचना पे मैं स्वयं, हमारे CSP साहब और पूरा स्टाफ पहुँचे और देखा तो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मौके पर पहुँच के शव का निरीक्षण किया गया, उसके बाद उसको PM के लिए रवाना करा दिया गया। मृतक का नाम धर्मेंद्र उर्फ सुटका कुशवा था, जो कि मजदूरी का काम करता था, कभी कभी हमाले भी कर लेता था, और इसके कुछ आपराधिक प्रकरण भी थाने में है। किस चीज़ से हत्या की गई? हत्या का स्पष्ट कारण तो PM रिपोर्ट के बाद समझ में आएगा, लेकिन जो मौके पे हम लोगों को दिखाई दिया तो उसका पत्थर से पटक के चेहरे को पूरी तरीके से क्षत विक्षत कर दिया गया था। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एकता स्व सहायता समूह द्वारा किया गया एक अनुपम कार्य। एकता स्व सहायता समूह के सदस्यों ने बेरोजगार महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्नता दिलाने के लिए उन्हें कपड़े सिलने की ट्रेनिंग दी। इसी के साथ इनके द्वारा सिले हुए कपड़ों को बेचने के लिए एक दुकान भी खोली। इस दुकान का नाम दिया A1 गारमेंट, जिसका शुभारंभ विधायक पन्नालाल शाखे के द्वारा किया गया। इस गारमेंट शॉप की खासियत ये रही कि इसमें उन्हीं महिलाओं के द्वारा सिले गए कपड़े बेचे जाएंगे, जिन्हें एकता स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। बताया जा रहा है कि समूह के द्वारा अभी तक 300 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर कपड़े सिलना सिखाया गया है। आए और अपना डिप्लोमा प्राप्त करें। राम देवी आरती आरती जी बताएं। एकता स्व सहायता समूह पिछले लंबे समय से ऊना नगर में जो सिलाई कटाई बुनाई का जो काम है उसको कर रहा है। शासन की नियमों के तहत, उनकी योजनाओं के तहत शहर की महिलाओं को इनमें जोड़कर उनको आर्थिक रूप से मदद करने का एक अभिनव प्रयास पिछले कई वर्षों से कर रहा है। आज इसी समूह के द्वारा बोहरा कॉम्प्लेक्स में एक शॉप का उद्घाटन है, जिसमें शहर भर की जो महिलाएं कपड़े सीती हैं उनकी बिक्री के लिए यहाँ पे शॉप खोली गई है। और ये हमारा 3 साल से समूह चल रहा है, एकता स्व सहायता समूह, और हम ये महिलाएं छावनी है, टीवी है, किंगर है, सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। हमने इनको प्रशिक्षित किया, ITI भी किया है मैंने,
और प्रशिक्षित करके मैंने अकेले दुकान नहीं खोली, एकता स्व सहायता समूह, इसलिए मैंने उसका नाम रखा कि हम सारी महिलाएं एक होकर के अपने गुना का नाम रोशन करें, उनको रोज़गार भी मिले। ये महिलाएं ऐसी हैं कि बीड़ी इनकी बंद हो जाती थी तो इनके चूल्हे बंद हो जाते थे, तो मैंने सबसे अच्छा ये सिलाई का सोचा कि इनको सिलाई भी आएगी और हम लोग रोज़गार भी हम सबको साथ में मिलेगा। करने को हम भी कर सकते थे अकेले, लेकिन नहीं, हमने महिलाओं को साथ लेकर के ये काम किया। तो हम लोग ने समूह खोला, परेशानियाँ भी बहुत आईं, कोई जुड़े कुछ हट गए, मतलब कि बहुत टाइम हो गया, लेकिन आज ऊपर वाले ने सुन ली। दुकानें भी 20 लाख, कहीं 25 लाख, आज दुकान मिल गई इसने, ये सचिव ने हमको दुकान दिलवाई बहुत अच्छे 4000 पे, और वो हम लोग। इसमें आपका कितनी महिलाएँ समूह में हैं आपके? इसमें महिलाएँ हमारी 300 हैं करीब, और 3 साल से चल रहा है हम लोग। ये एकता है, एकता स्व सहायता समूह। समूह में मतलब तो हमारी वही 11 महिलाएं हैं, लेकिन सबको जोड़ के हम लोग काम कर रहे हैं। मकसूदनगढ़ वन परिक्षेत्र मकसूदनगढ़ द्वारा तेंदुपत्ता हितग्राहियों को पानी की बोतल, साड़ी एवं चरण पादुका दिया गया। वन विभाग द्वारा कार्यक्रम मकसूदनगढ़ के मंडी प्रांगण में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि रही चाचौड़ा विधायक ममता मीना, जिन्होंने अपने हाथों से तेंदुपत्ता हितग्राहियों को सामग्री दी। इस मौके पर भारी संख्या में तेंदुपत्ता हितग्राही उपस्थित रहे। उपहार लेने वालों ने भी चाचौड़ा विधायक ममता मीना को धन्यवाद दिया एवं आभार व्यक्त किया। चौकसे जी, हमारे नारायण राय जी, आदमी हमारे मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। बमोरी में मुदोल गांव में संत रविदास जी एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़े जाने के विरोध में आज जिला कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसके माध्यम से ये अवगत कराया गया कि शीघ्र इन शरारती तत्वों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। साथ ही जिले भर में जहाँ भी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए आग्रह किया। इसके साथ ही जिला कांग्रेस ने यह भी बताया कि यदि जल्दी जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो इसके बाद जिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए बाधित होगी, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। महाराज व बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा के साथ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की है, जो अक्षम्य अपराध है, जिसकी कांग्रेस पार्टी बहुत निंदा करती है। साथ ही मांग करती है कि दोषी तत्वों पर तत्काल सख्त कार्रवाई हो। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी का अनुरोध है कि गुना जिले में सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वही जिले में पुलिस की गश्त बढ़ाकर मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित। गुना जिला प्रशासन को अपनी ओर से ज्ञापन दी गए ग्राम मुंदौल में, जो कल संत रविदास जी महाराज और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त किया है उसके विरोध में आज ये ज्ञापन दिया है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला कांग्रेस अध्यक्ष विठल दास जी मीना की अगुवाई में कल मौके पर होकर के आया और कांग्रेस पार्टी ने भरसक प्रयास किया कि जो जनता में आक्रोश था उस आक्रोश को शांत करके प्रशासन को कुछ समय दिया जाए अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए। इसका प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि कम से कम क्षेत्र की जनता में जो आक्रोश बढ़ रहा था वो कुछ कम हुआ है। आज जिला प्रशासन से मांग की है कि वे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति तो रोके ही, साथ में जिले भर में जिस जिस जगह पर भी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और उसके लिए आवश्यक ये है कि पुलिस की गश्त निरंतर वहाँ बढ़ाई जाए। यदि ये कार्रवाई नहीं की गई तो जिला कांग्रेस के तत्वाधान में संपूर्ण कांग्रेस परिवार जिले भर में उग्र आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगा और जिसके लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी केवल और केवल जिला प्रशासन रहेगा। आज हमने आग्रह किया है, अगली बार हम आग्रह नहीं करेंगे बल्कि जनता के साथ उग्र आंदोलन करके बाध्य करेंगे। कांग्रेस पहुँचे भी, पहुँच कर हमने भी देखा तो
तो ऐसी स्थिति आगे नहीं बढ़े, इस बारे में हमने ज्ञापन दिया है शासन को, प्रशासन को, कि आगे ऐसी स्थिति ना बने। जो हमारे पूर्वजों की ऐसी इमारत मूर्तियां हैं, इनकी सभी जगह रक्षा की जाए और पुलिस की गश्ती भी लगे सभी जगह जहाँ जहाँ भी ऐसी हमारी मूर्तियां हैं। तो यह कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो और जिस जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई हो और निर्दोष कोई ना फंसाया जाए, दोषी को जरूर सजा दी जाए। ग्राम गड़ा में गर्भवती महिला को गांव के बाहर पैदल तक आना पड़ा। बताया जा रहा है कि आनंद कुशवाहा की पत्नी हल्की बाई को प्रसव पीड़ा होने पर उन्होंने जननी वाहन को फोन लगाया। वाहन तो आ गया लेकिन गांव के अंदर आने को तैयार नहीं हुआ। गांव वालों ने एवं घर वालों ने जननी वाहन के चालक से काफी मिन्नतें भी की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। साथ ही महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान घर से गांव के बाहर तक पैदल ही आना पड़ा। समस्या पर है कि जननी वाहन के चालक ने ऐसा क्यों किया? यदि ऐसे में महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था लेकिन अभी तक किसी ने अपनी जवाबदारी सुनिश्चित नहीं की। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी बृजेश त्रिपाठी पहुंचे गुना। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के माध्यम से उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने अपने गुना प्रवास के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर अनुशासन सीखना है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सीखें। इस बात पर त्रिपाठी ने चुटकी लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में संयम और अनुशासन किसी अन्य पार्टी से कहीं अधिक होता है। वहीं उन्होंने वंशवाद के आरोप झेल रहे कांग्रेस का बचाव करते हुए वंशवाद की एक अलग ही परिभाषा तैयार कर दी। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कई कद्दावर नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को विधायक एवं सांसद तक बनाया है। वहीं उन्होंने अमित शाह के बेटे का जिक्र करते हुए कहा कि अमित शाह के बेटे को देखिए, कुछ समय पूर्व जिसकी कंपनी घाटे में जा रही थी आज वह कई हजार करोड़ का आसामी बन गया है। बात है कि नहीं, वो दूसरे को कहती है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि वंशवाद को तो तब है कि आप हैं और आपका बेटा भी है। ये बेटा अगर है तो वो वंशवाद है, ये वंशवाद नहीं मानते। और भारतीय जनता पार्टी ये आरोप इस तरह लगाती है कि पहले वो अपने, मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, आप साहब साथ फेरा लगा करके आखिर को साक्षी मान करके और मोदी जी आपने शादी किया, आप कौन से तलाक में जा रहे हैं? तीन तलाक गलत है और सात बार फेरा लगाए हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार, अग्नि को साक्षी मान करके आपने किया, आप सामने है। आप कहते हैं कि अभी आप संख्यकों की बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि इनको क्या देश से क्या निकालिए, उनको ठीक है उनको निकालिए, लेकिन आप शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी को क्या करें? ये साहब तरह तरह की बात मैंने बताया ना, अभी मैं कल भी कह रहा था जैसे शायद आपसे भी और लूंगा कि इनका एक फेसबुक, अब उसको कौन चलाता है पता नहीं, कौन जो इनके यहाँ सही बात बोलेगा, प्रवीण तोगड़िया जी सही बात बोलने लगे उनको तुरंत अलग कर दिया। अभी तक वो विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री थे तोगड़िया, अब उनमें कमी आ गई, उनको गुजरात में कहीं जा रहे हैं कहीं पाए जा रहे हैं। ये सब सारी प्रक्रियाएं ये इनके यहाँ है और कांग्रेस पार्टी में ये सब नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। हम लोगों का ऐसा मानना है कि कांग्रेस विरोधी विचारधारा जिसकी सोशल मीडिया पे लोग उनकी पोस्टें पढ़ नहीं पा रहे थे, वो हमारे सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पे एक साइट बना करके कांग्रेस और सिंधिया जी, राहुल जी, इन सब के खिलाफ गलत और फर्जी पोस्टें डाल रहे हैं। हम लोगों ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी ने कहा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी ने एसपी साहब के पास भी इस बात को पहुंचाया है और उसकी वहां सबूत के साथ उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजे। हम आपके माध्यम से ये बात कोना प्रशासन के समक्ष लाना चाहते हैं
कि वो इस प्रवृत्ति पर रोक लगाए साइबर क्राइम एक्ट के तहत, वरना इसके कारण से जो असंतोष कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा आम जनता में फैल रहा है, उसको किसी भी दिन वो गलत रूप भी धारण कर सकता है। हम इसलिए आज जिला प्रशासन से आप सबके माध्यम से ये मांग करते हैं कि वो इस बात पे जांच करें कि कौन श्री सिंधिया जी के नाम पे गलत साइट बना करके कांग्रेस के अगेंस्ट, स्वयं सिंधिया जी के अगेंस्ट, स्वयं राहुल जी के अगेंस्ट और कांग्रेस के नेताओं के अगेंस्ट पोस्ट डाल रहे हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है, हमने आरोप में देखा, किसी एक पोस्ट के ऊपर से आदमी को कहीं ना कहीं बंद किया गया, उन पे जेल में डाला गया। जब इतनी जागरूकता पुलिस प्रशासन ने उस समय दिखाई थी, तो ये प्रसंग छोटा मोटा प्रसंग नहीं है, बहुत बड़ा प्रसंग है। इसके माध्यम से यदि प्रशासन चुप रहता और इस पर कार्रवाई नहीं करता, तो निश्चित तौर पे हर पक्ष को ये आरोप लगाने का अवसर मिल जाएगा कि ये प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में केवल उन लोगों पे कार्रवाई करना चाहता है जो बीजेपी के नेताओं के अगेंस्ट कहीं गलत पोस्ट डालते हैं। क्योंकि हम लोगों ने उस समय भी उन पोस्टों का समर्थन नहीं किया था। हम इसके बिल्कुल हामी नहीं है कि सोशल मीडिया पे किसी के व्यक्तिगत चरित्रहनन किया जाए, गलत पोस्ट डाली जाए। और सबसे बड़ी बात, हम इस बात को तो कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि श्री सिंधिया जी के नाम पे कोई साइट बना करके तो गलत पोस्ट डाली जाए। ये यदि नहीं हुआ तो फिर इसके लिए पूरी उत्तरदायी प्रशासन। एक व्यक्ति इलाज के लिए बाहर तड़पता रहा, वहीं अंदर स्वास्थ्य अधिकारी का विदाई समारोह चलता रहा। यह वाक्य देखने को मिला बमोरी उप स्वास्थ्य केंद्र में, जहां स्वास्थ्य अधिकारी का विदाई समारोह चल रहा था। इस बीच गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति अपने इलाज के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे तक इलाज कराने के लिए भटकता रहा। उस व्यक्ति के साथ आई महिला ने बताया कि रास्ते में निकलने को लेकर उनका विवाद हो गया था, जिसके चलते पड़ोस में ही रहने वाले 2-3 लोगों ने उनकी बुरी तरह से मारा। इस बात की FIR उन्होंने बमोरी थाने में भी दर्ज करा दी है। इसके बाद भी मेडिकल नहीं हो पा रहा। वहीं महिला ने नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इलाज के नाम पर उनसे पैसा मांगा जा रहा है। पैसा न देने की सूरत में अभी तक इलाज भी शुरू नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि बमोरी उप स्वास्थ्य केंद्र में जो एक्सरे मशीन है वह भी खराब पड़ी है, लेकिन कहां गई नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की मानवीयता। कम से कम एक घायल का उपचार तो कराया जा सकता था, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। सबको तो स्वास्थ्य अधिकारी को खुश करना था, पर उनकी विदाई पार्टी में ही लगे रहे। तो एम्बुलेंस आ जाती ना, तो डॉक्टर को लिखना चाहिए ना। क्या बोल रहे थे? अफसर नहीं हो पाएगा कहीं जाना। अच्छा, बाबू गुना जाओगे तो कपड़ा डाल दो, किलो मत डाल, अफसर करवाओगे और कहीं बड़ा केस लग जाएगा तो। पट्टी करके भगा दो उसको। नहीं नहीं, ऐसे कैसे भगा दो, हमने हमने लिख के दिया है। मैंने तुम्हारे सामने MLC की उसकी पर्ची बना के दी है। सच बात करी जब तो साहब आपके सामने ठीक है, नहीं पुलिस वाले ने कि पट्टी करके भाई बोलो उनको कि लेके जाएंगे वो। आपने तो की थी कि इसके टांके लगे, आगे भी लगेंगे और एक्सरे भी होगा, दोनों चीजें होंगी। मैं गलत लड़ाई नहीं लड़ू साहब, गुरुजी नहीं लड़ू कहीं से कहीं तक गलत लड़ाई। नहीं नहीं भाई, हो जाएगा। सही लगाऊंगे तो चाहे जान चली जाए, कहीं बम्बई से भी नहीं डराऊ मैं। फांसी भी तो लगाई, गोली तो वो कोई गले से हड्डी टूटी हुई है, हम बता रहे हैं उसमें एक्सरे कराओ उसमें, है ना, एक्सरे का होगा। गलत लड़ाई नहीं लड़ू साहब। ठीक है भाई, है ना, ले जाओ। मेरे आदमी दर्द से तलाफ रहा है, कोई ने जाने कहे कि भाई इसको नहीं, हमने उसको इंजेक्शन भी लगा दिया भाई, हमने तो लगा दिया फिटनेस का और उसको इंजेक्शन लगा दिए हमने। आपने लगाया था क्या? और मैडम, हां जी, क्या हुआ है? अरे सर, गिट्टी सर ये लेके आया था कल जी, तो सर मैंने ये बोला था मैंने कि भैया मैं तेरा सामान है तू निकाल लेना, और मैंने ये भी बोली उनसे। और सर देखो तुम, अगर तुम भी बदरी फेले जी, तो देखो आप ये देखो, ये हॉस्पिटल पट्टी करके भगा रहे हैं। देखो जी आप ये देखो, आप ये देखो, अब मार जा, बस ज्यादा मत खींच, ज्यादा मत खींच, मत खींच।
तो कुछ नहीं हो रहा है। FIR डाली आपने? डाल दी सर, आपको बता दी भैया। अरे भैया कुछ नहीं हुआ, मैंने बोला मिनकी साहब तुमरी अगर कहूँ बदरी फैल रही है तो मैं खेल के ये खट्टी कर दूंगी, तुमरी दिक्कत आ रही है तुम मत करना सर, इसमें करवा दे। नहीं नहीं मैं जोर डालूंगा तुमरे भंगड़ा। डॉक्टर कहते हैं गुना जाओगे, कुछ नहीं हो गई, जो हॉस्पिटल में कुछ नहीं होता। और एक भाई ने 100 रुपये मांगे। कौन ने मांगे 100 रुपये? अरे अभी बमेड़े भाई कौन सी इंजेक्शन लगाया और दवाई पानी, मेरे इंजेक्शन लगाया था अभी, उनने 100 रुपये मांगे थे। रिश्वत लेते हैं सर, रात घुसन से मार ये साफ थी नहीं भैया ने मोदी सब रिश्वत लेते हैं, सब काम हो जाता है। घुसन से मार ये दोनों भाई ने पकड़े हम दोनों और तीनों ही भैया ने। अगर हम बने पैसे दे दे तो हमारी पट्टी हो जाए, टाके लग जाते नहीं है साहब, जब हम पैसे नहीं है तो कहाँ से देने सर हम। चलो ठीक, क्या नाम है आपका? राजीव मेहता है सर। मैंने मैडम से बोली अगर पैसा नहीं हो सर, देखो इधर देखो सर, महंगी नहीं मिलती जी, देखो सर नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप तो गुना ही जाइए, गुना टाके लगन गई। सर जी आज क्यों बनाई आपने, मत बनाओ यार, क्यों मार रहे हो दिया। और से वो भसुआ लेके आई थी कल हाँ जी, तो उन्हें कही लाखन ने और ज्वाला ने और छोटू ने हाँ जी कि झान नहीं निकलेगा, अगर झान निकालोगे तो मुझे राजीनामा करना पड़ेगा तुमको उनकी। अच्छा, किस बात का राजीनामा? हमारी एक बार और हो गई उनसे लड़ाई, इसलिए। कब हुई थी वो लड़ाई? है? लड़ाई कब हुई थी? वो 15-20 दिन पहले की थी। अच्छा, तो आज दोबारा हुई? आज दोबारा हुई, शाम के सब रात गाली दी तीनों चारों भैया ने और दारू पी रखी थी और कहकर चारों ने दो ही भैया ने हमें पकड़ लिया, मतलब और जिनमें खूब दो तीन ही भैया से दबाती रही। कौन में? जिनमें और मुँह में। ये कौन है आपके? ये मेरे पति हैं साहब। आपके हस्बैंड है? हाँ। अच्छा, तो किस विषय पे अभी लड़ाई हुई थी? अभी मैं गिट्टी लेने को जा रहा था आदमी मेरे सुबह को, तो राजू के यार ईटे तो मैं हटा लूँगा नहीं, तू कुछ भी कर ले और जान चली जाएगी तेरी जामा को। अच्छा, आपने इसकी कंप्लेंट थाने में की? पहले भी की थी साहब, और आज भी बुलाए थे तो आज भी आए थे और आज भी पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं। क्या बोल रहे? कि झना ही होगा, अक्सर होगा, दुगुना ही होगा, कहीं कोई डॉक्टर ही नहीं रहता। अच्छा, और क्या बोला उन्होंने? चुप रहती है कि नहीं रहती, बहुत बात रहती है कि अभी दोनों को बंद कर दूंगा। तो ये किसने बोला? एक पुलिस वाले थे साहब। अच्छा, कौन सी जगह? कौन से थाने की बात है? जी बमोरी। बमोरी के? तो उन्होंने FIR डाली? जी डालिए जी, हमें अब जो पता नहीं है खाए खाना, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ साहब, एक बार होते एक बार की सहन कर लें, 24 घंटे ऐसे कहाँ तक मर पाऊंगा, मेरे आदमी बेहाल होगा साहब। तो ये कितनी बार घटना हो चुकी है? दो बार हो गई, और पहले भी जो घटना नहीं हुई थी जो कि पहले भी गाली बकाते हुए थे सब। बमोरी से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। डीजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।